गुड मॉर्निंग भी सबको, और अपने राज्य वृक्ष यानी खेजड़ी पढ़ रहे थे, तो चर्चा करेंगे खेजड़ी के ऊपर आज वापस। ठीक है, तो खेजड़ी से किस प्रकार के कंपटीशन जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खेजड़ी के बारे में अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ चर्चाएं कर चुके थे, जो पॉइंट बचे हैं वो आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपने जो बात की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर अपने बात कर चुके थे कि खेजड़ी की आयु जो है वो अभी तक वैज्ञानिकों ने क्या आंकी है, 5000 वर्ष जो है वो आंकी है, यानी 5000 साल तक क्या है खेजड़ी का वृक्ष जो है वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अपने वही बात करें कि राजस्थान के अंदर, अपने राज्य के अंदर दो खेजड़ी के पुराने वृक्ष जो है वो देखे जा चुके हैं, यानी उनकी आयु जो है वो कहाँ तक की है, 1000 साल की आंकी गई है, यानी 1000 साल पुराने वृक्ष जो है वो अपने राजस्थान के अंदर दो वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। तो बात करते हैं उन जगह की, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो 1000 साल पुराना जो वृक्ष है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अजमेर के अंदर, एक जगह है मांगलियावास। ठीक है, मांगलियावास, ठीक है, मांगलियावास अजमेर के अंदर, मांगलियावास अजमेर में क्या पाए जाते हैं, पुराना वृक्ष मिला है जिसकी आयु कितनी है, पुराना वृक्ष मिला है जिसकी आयु कितनी है, 1000 साल, 1000 साल क्या है, पुराना है। ठीक है, पुराना 1000 साल क्या है, पुराना है। कहाँ पे पाया जाता है, मांगलियावास अजमेर के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं कि खेजड़ी के वृक्ष को अगर बात करें नुकसान पहुंचाने के दायरे से, कि इसको किन कीटों से ज़्यादा नुकसान है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कीट है सेलस्ट्रेना, कीट का नाम क्या है, सेल्स ट्रेना, यह इसको बोलते हैं ग्लाइकोडर्मा। ये दो कीट है जो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं खेजड़ी के वृक्ष को। ठीक है, तो ये कीट क्या करते हैं, ये कीट खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दो बातें ध्यान में रखनी है, क्या, एक तो 1000 साल पुराने वृक्ष जो है वो कहां पे मिले हैं, खेजड़ी का मांगलियावास अजमेर के अंदर, और सेलस्ट्रेना ग्लाइकोडर्मा दो कीट हैं जो क्या करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पे बात करें तो इसकी जो फलियां होती है, फलियां यानी खेजड़ी के जो फलियां लगती है, जिसको राजस्थानी भाषा में तुक्के भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुक्के एक अलग बात है। तो खेजड़ी की फलियां जो होती हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं। खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती है, सांगरी कहलाती हैं। और सांगरी जो है वो कब लगती है, तो गर्मी के दिनों में लगती है। कब लगती है, गर्मी के समय। ठीक है, गर्मी के समय लगती है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सांगरी जो है वो खेजड़ी के वृक्ष पर देखी जा सकती है। ठीक है, वहीं बात करें कि यही सांगरी अगर सूख जाए, तो सूखी सांगरी को अपने क्या बोल देंगे, खोखा। क्या बोल देंगे, खोखा। ठीक है, आपको पता होगा खोखा एक गेम भी है। ठीक है, तो खोखा क्या है, खोखा सूखी हुई सांगरी को बोलते हैं। और सांगरी की सब्जी का प्रचलन जो है वो राजस्थान के अंदर अत्यधिक है। ठीक है, अपने को पता है कि अपने पूर्वज, ठीक है, और अभी भी लोग क्या करते हैं, जो जोधपुर मारवाड़ साइड रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सांगरी को इकट्ठा करते हैं और इनकी सब्जी बनाई जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी प्रचलित है राजस्थान के अंदर सांगरी की सब्जी। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि किस किस ने सांगरी की सब्जी जो है वो खा रखी है, अगर किसी ने नहीं खाई है तो उसको खिलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती है, सांगरी कहलाती है, गर्मी के समय में लगती है, और यही अगर सूख जाए तो इसको क्या बोल देते हैं, खोखा बोल देते हैं। उसके बाद में एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं माटो, एक वर्ड यूज किया जाता है खेजड़ी के लिए, माटो बोलते हैं। अब सर माटो क्या है, माटो कुछ नहीं है, माटो बीकानेर के जो शासक थे, ठीक है, राजा महाराजा थे बीकानेर के, उन्होंने क्या किया था, इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना था। ठीक है, तो बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने खेजड़ी को क्या चुना था, प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना था। तो खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या हुआ था, चुना था। ठीक है, किसने, बीकानेर के शासकों ने क्या किया था, खेजड़ी के वृक्ष को प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना था। यह बात ध्यान में रखनी है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, माटो बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि माटो क्या है, माटो जो है वो
बीकानेर के शासकों के द्वारा खेजड़ी का जो प्रतीक चुना गया था, खेजड़ी को प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था, उसको अपने क्या बोल देते हैं, माटो बोल देते हैं। ठीक है, माटो से क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद में बात करते हैं कि 56 अकाल पड़ा था अपने राजस्थान के अंदर, आपको पता हो तो एक 56 करके अकाल पड़ा था। 56 अकाल के समय भी खेजड़ी का वृक्ष जो है वो लोगों के जीवन का सहारा बना था। कौन सा अकाल पड़ा था, एक अकाल पड़ा था जिसका नाम क्या है, 56 का अकाल। ठीक है, 56 का अकाल पड़ा था कब राजस्थान के अंदर, तो 56 का अकाल जो है वो कब पड़ा था, 56 का अकाल पड़ा था 1899 या इसी की अपने बात करें विक्रम संवत में। ठीक है, विक्रम संवत के अंदर इसकी बात करें तो विक्रम संवत इसका निकलता है 1956। ठीक है, तो उस दौरान भी क्या हुआ था, ये खेजड़ी का वृक्ष जो है वो सहारा बना था। ठीक है, तो ये वृक्ष क्या बना था, वृक्ष कौन सा, खेजड़ी का वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, इससे भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 56 अकाल पड़ा था कब, 1999 यानी इसके अंदर विक्रम संवत की बात करें तो 1956 के अंदर खेजड़ी का जो वृक्ष है वो लोगों के जीवन का सहारा बना, जीने का सहारा बना, ये अपने कह सकते हैं। उसके बाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था जिसको अपने बोलते हैं ऑपरेशन खेजड़ला। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन खेजड़ला। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ला ये एक अभियान था। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ला अभियान जो है वो कब चलाया गया था, तो ये अभियान चलाया गया था 1991 के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, विशेष तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि खेजड़ला अभियान जो है वो कब चलाया गया था, तो भाई साहब खेजड़ला अभियान चलाया गया था 1991 के अंदर। जबकि पूछे कि 56 अकाल कब पड़ा था, जब लोगों का सहारा बना था खेजड़ी का वृक्ष, तो 56 अकाल 1999, विक्रम संवत की बात करें तो 1956 हो जाएगा। माटो क्या है, माटो खेजड़ी का वृक्ष जो है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था बीकानेर के शासकों के द्वारा, इसको क्या बोला, माटो बोला। खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती है, सांगरी कहलाती है, और वहीं ये फलियां सूख जाए तो इसको क्या बोल देते हैं, खोखा बोलते हैं। सेलस्ट्रिना और ग्लाइकोडर्मा दो कीट हैं जो क्या करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं बात करें कि मांगलियावास अजमेर के अंदर पुराने वृक्ष जो 1000 साल पुराने हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहां पे क्या होता है कि हर टाइम इस दौरान यहाँ पे जो मांगलियावास के अंदर एक पॉइंट रह गया है, यहाँ पे लिख देते हैं कि अजमेर के अंदर मांगलियावास जो जगह है यहाँ पे क्या होता है कि हरियाली अमावस को क्या होता है मेला भरता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हरियाली अमावस को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सावन की अमावस बोलते हैं। सावन का महीना जो होता है, श्रावण का महीना क्या कहलाता है, हरियाली अमावस कहलाता है, क्योंकि सावन के महीने के अंदर बारिश अच्छी होती है, और बारिश अच्छी होगी तो वहां पे हरियाली अच्छी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं, सावन की अमावस जो है वो उस दौरान यहाँ पे क्या भरता है, मेला भरता है मांगलियावास के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1000 साल पुराना जो है वृक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कि सर्वप्रथम बलिदान जो है वो किसने दिया था, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत अगर बात करें, खेजड़ी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अगर बात कर लें कि वन्य जीव संरक्षण के लिए बलिदान जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए बलिदान सबसे पहले जो दिया था, सर्वप्रथम बलिदान दिया था 1604 के अंदर, सन 1604 के अंदर कहाँ पे दिया गया था, जोधपुर के अंदर दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, जोधपुर में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, किसने दिया था ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है, तो ये बलिदान जो है वो दिया गया था रामसड़ी, एक गांव है जोधपुर में रामसड़ी। ठीक है, जोधपुर के अंदर एक गांव है रामसड़ी, वहां पे रहते थे कर्मा व गोरा ने। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद। ठीक है, अभी वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण के लिए
जो बलिदान है वो किसने दिया था? तो वन्य जीव यानी वन्य वनस्पतियों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान जोधपुर में दिया गया था 1604 के अंदर। कौन से गांव के थे जो देने वाले थे बलिदान? रामसड़ी गांव कर्मा व गोरा ने दिया था। ठीक है, कर्मा व गोरा ने क्या दिया था? बलिदान दिया था रामसड़ी गांव जोधपुर के अंदर। ठीक है, 1604 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसको, मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं खेजड़ी की, जो इंपॉर्टेंट बातें और बची हैं। ठीक है, बलिदानों से और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, माटो का ध्यान रखना। ऑपरेशन खेजड़ला अभियान कब चलाया गया था? 1991 में चलाया गया था। इस बात की विशेष तौर पे आप लोगों को जानकारी रखनी है। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक है, अभी उसके बाद में बात करेंगे, प्रथम बलिदान तो किसने दिया था? कर्मा और गोरा ने दिया था। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? रामसरी गाँव यानी जोधपुर के रहने वाले थे। अब अपने बात कर लेते हैं दूसरा बलिदान दिया गया था वन्य जीव संरक्षण के लिए, तो वो किसने दिया था? ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि दूसरा बलिदान जो दिया था वो किसने दिया था, तो दूसरा बलिदान, ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान। ठीक है, दूसरा बलिदान किसने दिया? दूसरा बलिदान जो दिया गया था वो कहां पे दिया गया था? नागौर के अंदर दिया गया था। कहां पे दिया गया था? नागौर में। ठीक है, नागौर प्रांगण की अगर बात करें, नागौर प्रांगण के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या है? पोलावास। गांव का नाम क्या है? पोलावास। ठीक है, पोलावास के अंदर वुचो जी ने दिया था। किसने दिया था? वुचो जी। ठीक है, वुचो जी ने क्या दिया था? दूसरा बलिदान दिया था वन्य जीव संरक्षण के लिए। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान जो है किसने दिया था? तो दूसरा बलिदान किसने दिया था? दूसरा बलिदान वुचो जी ने दिया था। और यह दिया था सन कौन सा, ध्यान में रखना है, सन 1700 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1700 के अंदर। आपसे पूछे कि प्रथम बलिदान कब दिया गया, तो प्रथम बलिदान दिया गया था 1604 के अंदर। प्रथम बलिदान कब दिया गया था? 1604 के अंदर। किसने दिया था? कर्मा और गोरा ने दिया था। कहाँ पे दिया था? जोधपुर के अंदर एक गांव है रामसड़ी, वहां पे दिया गया था। वहीं बात करें कि दूसरा बलिदान वन्य जीव संरक्षण के लिए किसने दिया था, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान दिया था किसने? वुचो जी ने। वो कहाँ के रहने वाले थे? नागौर प्रांगण के। नागौर प्रांगण में एक गाँव है जिसका नाम क्या है? पोलावास। सन ध्यान में रख लेना 1700 ईस्वी के अंदर या 1700 सन के अंदर दिया गया था। वहीं पर अपने नेक्स्ट बात करें कि खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया था। अब तो अभी तक तो अपने बात कर रहे थे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के अंदर वनस्पतियां, जीव, ठीक है, पक्षी वगैरह सब आ जाते हैं, लेकिन स्पेशल बात कर ले एग्जामिनर कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए, या पूछ ले कि खेजड़ी के लिए, ठीक है, या क्या पूछ ले, खेजड़ी के लिए पूछ ले कि खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान, ठीक है, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान, गर्मी बहुत है आज, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया था? ये अलग है अभी। प्रथम बलिदान खेजड़ी के लिए किसने दिया था? तो आपने सबने नाम सुन रखा है, कौन थे वो? अमृता बाई या अमृता देवी बिश्नोई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई समाज के थे ये, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई या अमृता बाई, ठीक है। वहीं पर इसके पति की बात करें कि इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम क्या था? रामू जी था। क्या नाम था? रामू जी। इनके पति कौन से थे? इनके पति की बात करें तो पति का नाम क्या था? रामू जी, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके इस बलिदान के पीछे इनका पति का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो रामू जी भाई इनके पति थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वहीं बात करें कि अमृता देवी ने क्या दिया था? प्रथम बलिदान दिया था किसके लिए? खेजड़ी के लिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रथम बलिदान कर्मा व गोरा ने दिया, जोधपुर में दिया, रामसड़ी गांव में दिया, 1604 ईस्वी के अंदर दिया। वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान किसने दिया? वुचो जी ने दिया। नागौर जिले के प्रांगण गांव की बात करें तो पालावास 1700 सन के अंदर दिया। खेजड़ी के लिए स्पेशल बात करें कि खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया था, तो खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था रामो जी। और कौन से सन के अंदर यह बलिदान दिया गया, तो यह दिया गया था 1730 के अंदर। कब दिया गया था? 1730 के अंदर, ठीक है। घटनाक्रम क्या रहा था कि जोधपुर के अंदर एक गांव है खेजड़ली और उस गांव खेजड़ली में क्या होता कि राजा ने क्या किया था, वहां का राजा उस टाइम कौन हुआ करता था, इस टाइम जब बलिदान दिया था तो यहां का राजा कौन था, ठीक है, जोधपुर का राजा कौन था उस टाइम,
जोधपुर का राजा, ठीक है, उस टाइम जोधपुर का राजा था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह, अभय सिंह, ठीक है। ये अभय सिंह ने क्या किया था, आदेश दिया था किसको? गिरधर दास को। किसको आदेश दिया था? गिरधर दास, गिरधर दास, ठीक है। गिरधर दास को क्या दिया था? आदेश दिया था किसने? आदेश दिया। कहानी सुनना क्या रही थी कि जोधपुर के अंदर एक गांव है, गांव का नाम क्या है? खेजड़ली गांव, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, खेजड़ली गांव, ठीक है। खेजड़ली गांव क्यों पड़ा नाम? क्योंकि इसके अंदर क्या था? खेजड़ी जो है वो ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? खेजड़ली गांव। कहां पे पड़ता है? जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के अंदर पड़ता है। इसी खेजड़ली गांव को अपने क्या बोलते हैं? इसी खेजड़ली गांव को अपने एक और नाम दे देते हैं, गुड्डा गांव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुड्डा गांव भी बोलते हैं। खेजड़ली गांव को एक और नाम से जाना जाता है, गुड्डा गांव, जो कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। इसी को खेजड़ली गांव बोलते हैं। और उस दौरान जोधपुर के अंदर जिसका शासक था या शासन काल चल रहा था, वो कौन सा राजा था? राजा अभय सिंह था, ठीक है। अभय सिंह ने आदेश दिया था किसको? गिरधर दास को। क्या आदेश दिया? कि खेजड़ी के वृक्ष जो है इमारती लकड़ियों के लिए, ठीक है, उस टाइम हो सकता है उनकी कोई इमारत बन रही हो या किसी भी कारणवश व्यापार के लिए काटने का आदेश दिया था, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो अमृता देवी थे उनके कुछ सहयोगी थे, तो वो क्या हुआ कि उन वृक्षों को काटने नहीं दे रहे थे, ठीक है, पीछे नहीं हटे वो, चाहे सर कट जाए लेकिन वृक्ष काटने नहीं देंगे। तो फिर क्या आ गया? अभय सिंह ने आदेश दिया गिरधर दास को, तो गिरधर दास के, तो फिर गिरधर दास ने क्या किया? गिरधर दास ने 363 लोगों की हत्या कर दी। गिरधर दास ने क्या कर दिया? 363 लोगों की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। और वो पल आज भी याद रखा गया है, ठीक है। 363 में से अगर अपने बात करें, इस प्रकार का भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाता है, 363 में से अगर महिलाओं की बात करें कि महिलाएं कितनी थी, महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या रही थी 69, ठीक है, महिलाएं कितनी रही थी? 69। और वहीं पे बात करें पुरुषों की, तो पुरुष कितने रहे थे? तो पुरुष रहे थे 294, कितने रहे थे? 294। यानी उस दौरान अभय सिंह ने जो आदेश दिया था, उस दौरान गिरधर दास ने क्या किया? 363 लोगों की क्या कर दी? अपनी सेना के साथ में वहीं पे खेजड़ली गांव के अंदर उनकी हत्या कर दी। और हत्या के अंदर 363 लोग जो है वो मौत के घाट उतार दिए गिरधर दास ने, ठीक है। उसके अंदर 69 क्या थी? महिलाएं थी, 69 महिलाएं थी, और पुरुष की संख्या कितनी थी? 294 थी, ठीक है। तो ये कांड जो है वो किसने किया था? गिरधर दास ने किया था। ये बात जो है वो आज तक भी याद रखी गई है। इसके संदर्भ में क्या किया जाता है 12 सितंबर को? क्या किया जाता है इसके संदर्भ में? 12 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस। तो आपसे पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस जो है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है, 12 सितंबर, ठीक है। हर साल 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। और ये प्रथम बार पूछ लेता है कि प्रथम बार इसको कब मनाया गया था, तो प्रथम बार इसको मनाया गया था 1978 के अंदर, 12 सितंबर 1978 के अंदर इसको क्या किया गया था? प्रथम बार मनाया गया था। ये पॉइंट आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उठते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। आपका माइंड फ्यूज कर सकता है। खेजड़ी जो है अपना राज्य वृक्ष है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। याद दिला देता हूँ वापस, कई टॉपिक पढ़ते पढ़ते बीच में भूल गए हो कि अपने पढ़ क्या रहे हैं, तो खेजड़ी पढ़ रहे हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना भी। खेजड़ी जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए दूसरा बलिदान किसने दिया था? सन ध्यान में रखना 1700 में दिया था, नागौर के पोलावस गांव के भुच्चो जी ने दिया था। प्रथम दिया था कर्मा और गोरा ने 1604 के अंदर, ठीक है। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। खेजड़ली गांव के अंदर जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, और इसी गांव को क्या बोलते हैं? गुड्डा गांव बोलते हैं। पति के नाम क्या था? रामोजी था इनके पति का नाम। और उस दौरान जोधपुर में काल किसका था? तो अभय सिंह का राज चलता था, ठीक है। और अभय सिंह ने आदेश दिया था गिरधर दास को कि गिरधर दास जा और वहां से क्या कर, खेजड़ली गांव से खेजड़ी के वृक्ष जो है वो काट ला। तो वहां पे जो लोग थे और अमृता देवी की जो सहयोगी थे वो पीछे नहीं हटे, चाहे सर कट जाए लेकिन खेजड़ी काटने नहीं देंगे। तो गिरधर दास ने क्या किया, आदेश के ऊपर 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। और उसमें से 69 क्या थी? महिलाएं थी, 294 क्या थे? पुरुष थे, ठीक है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है इनकी याद में, हर साल क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस जो है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये घटना 12 सितंबर की थी। और प्रथम खेजड़ली दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया गया था, तो प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को जो है वो मनाया गया था। ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की।
ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है कि खेजड़ली गांव के अंदर विश्व का एकमात्र मेला भी भरता है, ठीक है, वो पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको। खेजड़ली गांव में क्या होता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, पूरे विश्व के अंदर वृक्ष मेला कहीं नहीं भरता, लेकिन जोधपुर, अपने राजस्थान के जोधपुर बोले तो खेजड़ली गांव के अंदर क्या भरता है, वृक्ष मेला भरता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे भरता है, खेजड़ली गांव में भरता है। कहाँ पे भरता है, खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर भरता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कब भरता है, तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर भरता है, और कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या किया जाता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर भरता है, और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है, तेजा दशमी जो है वो मनाई जाती है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रह गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि जो बिश्नोई समाज है, ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए जो बलिदान दिया जाता है, ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो बलिदान दिया जाता है, उस बलिदान को अपने क्या बोलते हैं, शाका बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, खडाना, शाका या खडाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ज्यादा बार ही पूछा गया होगा, ठीक है, और हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन जो है। क्या पूछा गया था कि जो बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा बलिदान दिए जाते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसको क्या बोलते हैं, शाका व खडाना बोलते हैं, इसका ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च या सर्वाधिक प्रचलित या अपने बोले कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बात करें कि प्रथम बार किसको दिया गया था, तो ये प्रथम बार मिला था किसको, प्रथम बार या सर्वप्रथम किसे दिया गया, यह आपने क्या लिख सकते हैं, सर्वप्रथम गंगाराम जी को दिया गया था। और ये गंगाराम भी कौन से थे, बिश्नोई संप्रदाय के थे, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वोच्च जो है पुरस्कार कौन सा है, तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, और सर्वप्रथम ये किसको दिया गया था, तो सर्वप्रथम गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, जोधपुर के हैं ये, 1994 के अंदर दिया गया था।
ठीक है, सॉरी 1994 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखना है कि वन्य जीव संरक्षण यानी अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। और प्रथम बार ये किसको दिया गया था, तो प्रथम बार ये किसको दिया गया था, गंगाराम जी बिश्नोई को दिया गया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी एक बार, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए एक आंदोलन चला था, ठीक है, वो आंदोलन भी काफी प्रचलित रहा था। पहले ये एरिया जो है चमोली जिला की बात करें कि चमोली जिला पहले कहां पड़ता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है वो अलग हो गया, तो अभी अपने बात करेंगे उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में एक जगह है, ठीक है, उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड चमोली के अंदर बात करें, चमोली जिला उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड का चमोली जिला के अंदर क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन, ठीक है, उस आंदोलन का नाम क्या था, चिपको आंदोलन था। क्या नाम था, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन था। और ये चिपको आंदोलन कब हुआ था, इस चिपको आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है कि ये कब हुआ था, 1873 के अंदर, कब हुआ था ये, 1873 के अंदर, सॉरी 1973 ध्यान रखना, इसका क्या ध्यान रखोगे, 1973 ध्यान रखोगे, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, शुरुआत की बात करें तो ये 1970 के अंदर इसकी क्या हुई थी, शुरुआत, ठीक है। अब सर ये क्यों बता रहे हो, अपने तो खेजड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, इस चिपको आंदोलन के लिए प्रेरणादायी जो स्रोत रहा था, यह प्रेरणादायी जो वन्य जीव संरक्षण की गाथा रही थी वो कौन सी रही थी, अमृता देवी, या अपने बात सकते हैं कि खेजड़ली अभियान की रही थी। किसकी रही थी, खेजड़ली अभियान की रही थी या खेजड़ली आंदोलन की रही थी। अपने जो जोधपुर के अंदर खेजड़ली आंदोलन जो हुआ था वो किसका प्रेरणादायक रहा था, वो प्रेरणादायक रहा था उत्तराखंड के चमोली जिले में होने वाले चिपको आंदोलन का प्रेरणादायी रहा था। यह आंदोलन कब हुआ था, 1973 को हुआ था, शुरुआत उसकी 1970 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में कह रहे हैं ये किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये सुंदरलाल, ठीक है, सुंदरलाल, ये गांव में सुंदरलाल जो घूम रहा है, उस सुंदरलाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं किस सुंदरलाल की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड वाले सुंदरलाल की बात कर रहा हूं उस टाइम की। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा करके थे, उनके क्या हुआ नेतृत्व के अंदर ये हुआ था। ये पॉइंट आपको अलग से ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड के, कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में चिपको आंदोलन का पूछा जाता है, और चिपको आंदोलन लोग जो हैं वो कहाँ पे करके आ जाते हैं, वो करके आ जाते हैं अपने जोधपुर खेजड़ली गांव से संबंध रख के। तो खेजड़ली आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन का प्रेरणादायक रहा है, न कि चिपको आंदोलन इससे संबंध रखता है, किससे, खेजड़ली गांव से, ठीक है। खेजड़ली गांव से सिर्फ अमृता देवी का संबंध है वो ध्यान में रखना है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंध रखता है, जोधपुर से संबंध नहीं रखता, ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में, शुरुआत हुई थी 1970 के अंदर। चिपको आंदोलन कहां पे होता, उत्तराखंड चमोली जिले पर आंदोलन चलाया गया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका प्रेरणादायक कौन रहा था, इसका प्रेरणादायक रहा था जोधपुर के अंदर जो अपने हुआ था, कौन सा आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, ठीक है, खेजड़ली आंदोलन इसका प्रेरणादायक रहा है। उसके बाद करें तेलंगाना की, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष भी कौन सा है, तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष भी कौन सा है भाई साहब, तो खेजड़ी है। कौन सा है, खेजड़ी है। जिस प्रकार से राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ठीक है, खेजड़ी है, उसी प्रकार से तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। ये तेलंगाना के पॉइंट बारे में पॉइंट जो है वो ध्यान में रख लेना, ठीक है, और जिला ध्यान में रख लेना चमोली जिले के अंदर हुआ था। तो खेजड़ी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने करवा दिए हैं, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।